आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। आपको बता दें कि राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया है। वहीं राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं, साथ ही हजारों की तादाद में लोग संसद भवन की तरफ मार्च भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजपक्षे ने विरोध के 139 दिन बाद अपना इस्तीफा भी दे दिया। आज संसद में उनके इस्तीफे की घोषणा भी हो सकती है और साथ ही अंतरिम राष्ट्रपति के नाम का भी ऐलान होगा। आपको बता दें कि श्रीलंकाई एयरफोर्स मीडिया डायरेक्टर ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फर्स्ट लेडी और दो बॉडीगार्ड्स को मालदीव जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से इमिग्रेशन, कस्टम और बाकी कानूनों को लेकर अनुमति दी गई थी। वहीं 13 जुलाई की सुबह उन्हें एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया गया था। आपको बता दें कि राजपक्षे 8 जुलाई के बाद से कोलंबो में नहीं दिख रहे थे। वे मंगलवार यानी 12 जुलाई को नौसेना के जहाज से भागने की फिराक में थे, लेकिन पोर्ट में इमिग्रेशन अधिकारियों ने पासपोर्ट पर सील लगाने के लिए वीआईपी सुइट्स में जाने से इनकार कर दिया। साथ ही राजपक्षे ने जोर दिया तो देश में चल रहे विरोध की वजह से दूसरे सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अफसर नहीं माने थे। आपको बता दें कि गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से पहले शर्त रखी थी कि उन्हें देश से बाहर जाने दिया जाए। इसके कुछ ही घंटे बाद उनके देश छोड़ने की खबर सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि राजपक्षे भागे या भगाए गए। राजपक्षे ने 12 जुलाई को अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर सीनियर अधिकारी को सौंप दिया था। यह लेटर 13 जुलाई को संसद स्पीकर महिंद्रा यापा अभयवर्धने को सौंपा जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।